आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर नगर निगम की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम की तरफ से दिल्ली में कई जगह बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगले कई महीनों तक बुलडोज़र चलाए जाएंगे। उन्हें वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली से सारा अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं, जितना भी इनक्रोचमेंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी हटाई जाएंगी। हम खुद भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि इनक्रोचमेंट्स होनी चाहिए, हम नहीं चाहते कि इलीगल बिल्डिंग्स बननी चाहिए। दो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। एक ये कि पिछले 75 साल में दिल्ली जिस तरह से बना है, दिल्ली प्लान्ड तरीके से नहीं बना। दिल्ली जिस तरह से, दिल्ली का विस्तार हुआ, दिल्ली जिस तरह से बनी, 80% से ज़्यादा दिल्ली इलीगल या एनक्रोच्ड कही जा सकती है। 80% से ज़्यादा दिल्ली जो है वो अतिक्रमण के दायरे में आएगी। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या 80% दिल्ली को तोड़ा जाएगा? दूसरी बात ये उठती है कि जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ना कोई कागज़ हैं, ना किसी को मौका दिया जा रहा, बुलडोज़र बस लेके किसी भी कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और किसी का भी घर तोड़ने लग जाते हैं, किसी की भी दुकान तोड़ने लग जाते हैं। वो आदमी कागज़ लेके खड़ा है सड़क के ऊपर, चिल्ला रहा है, दया की भीख मांग रहा है कि मेरे कागज़ तो देख लो, मेरे पास हैं कागज़, मेरे पास हैं, मेरा जो ये है ये इलीगल नहीं है, ये इनक्रोच नहीं है, मैं कई कई 40 40 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे पास कागज़ भी हैं। कोई कागज़ नहीं देखे जा रहे, बस बुलडोज़र चलाया जा रहा है। ये तो सही नहीं है। जिस तरीके से हटाया जा रहा है हम उसके खिलाफ़ हैं, और जिस स्केल के ऊपर इन्होंने प्लानिंग कर रखी है, इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं। इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली की सारी झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। दिल्ली की झुग्गियों में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। इसके अलावा 3 लाख प्रॉपर्टीज की ऐसी इन लोगों ने लिस्ट बना रखी है, जहां पे इनका कहना है, किसी ने नक्शे के इतर, जिन लोगों ने, किसी ने बालकनी थोड़ी बना ली, किसी ने एक कमरा अलग बना लिया, किसी ने इस किस्म के सारे पार्टली उन एनक्रोचमेंट्स को तोड़ा जाएगा। 63 लाख लोगों पे बुलडोजर चलेंगे। मैं समझता हूँ ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा, सबसे बड़ा विध्वंस होगा। ये तो सही नहीं है। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कच्ची कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा। चुनाव के पहले इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान बना के दिए जाएंगे, और अब चुनाव के बाद ये इनको सबको तोड़ने के लिए आ गए। ये तो सही नहीं है। मैं समझता हूं जिस तरह से दिल्ली का, हम भी, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि हम भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि अतिक्रमण होना चाहिए, हम नहीं चाहते, हमारी दिल्ली खूबसूरत होनी चाहिए, हमारी दिल्ली अच्छी होनी चाहिए, लेकिन 63 लाख लोगों को आप बेघर कर दोगे, 63 लाख लोगों को कि दुकानें तोड़ दोगे, उनकी उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ख़राब कर दोगे, उन ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। 15 साल से नगर निगम में बीजेपी का राज था, दिल्ली नगर निगम में। 15 साल में इन्होंने क्या किया? 15 साल में इन्होंने और इलीगल एनक्रोचमेंट्स कराए, और इलीगल बिल्डिंग्स बनवाई, उसके खूब पैसे, आरोप लगता है कि खूब पैसे लिए गए, पैसे ले लेके कराए गए। अब जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया है, 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, आज 16 तारीख हो गई है, 2 दिन बचे हैं, 18 तारीख को इनका कार्यकाल पूरा हो गया, क्या इनकी नैतिक, इनके पास पावर है? आपने कानून पास करके अब एक ऑफिसर लगा देंगे और वो, लेकिन आपकी क्या नैतिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल पावर है कि आप इतना बड़ा निर्णय ले सकें? आप चुनाव कराइए, चुनाव कराने के बाद जो पार्ट, जो नई एमसीडी बनेगी उसको निर्णय लेने दीजिए। चुनाव के बाद पूरी दिल्ली जानती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नगर निगम के अंदर। हम दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि ये अतिक्रमण की और
अवैध रूप से बनी हुई दिल्ली की समस्या को हम समाधान करेंगे। कच्ची कॉलोनियों को साफ सुथरा बनाया जाएगा, कच्ची कॉलोनियों को रेगुलराइज करेंगे, लोगों को मालिकाना हक दिलवाएंगे कच्ची कॉलोनी के लोगों को। वहां पे ऑलरेडी हम लोगों ने सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कर दिया, साफ सफाई, उनको अच्छी कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाएगा। झुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं हम लोग, टाइम लग रहा है, झुग्गी वालों के लिए मकान बना रहे हैं, झुग्गियों से भी मुक्ति दिलाएंगे दिल्ली को, उनके लिए मकान बनाएंगे, उनको इज्जत की जिंदगी देंगे। जिन लोगों ने थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशन कर रखे हैं, ऐसे ऑल्ट्रेशन कर रखे हैं जिससे किसी को बाधा नहीं पहुंच रही, मान लीजिए किसी ने सड़क पे ऑल्ट्रेशन कर रखा है उससे तो लोगों को बाधा पहुंचती है, किसी ने रस्ते पे कब्जा कर रखा है उससे लोगों को बाधा पहुंचती है, ऐसे लोगों को मौका दे के उनको हटाने के लिए कहा जाएगा। लोग हटाते हैं, कई बार हमने ऐसे प्रयास किए, लोगों को बुलाया, उनको कहा भाई ये ठीक नहीं है, इसको हटाओ, लोग हटा लेते हैं, अपने खुद ही तोड़ लेते हैं। आप लोगों पे बुलडोजर क्यों चला रहे हो? हम दिल्ली को ठीक करेंगे, हम दिल्ली को ठीक करके दिखाएंगे। जैसे हमने शिक्षा में बेहतर काम किया, स्वास्थ्य में बेहतर काम किया, बिजली ठीक करी, पानी ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही हम इसको इलीगल और अतिक्रमण को भी इसको ठीक करेंगे। लेकिन इस तरह से बुलडोजर चला के लोगों के घरों को और लोगों की दुकानों को उजाड़ना, ये सही नहीं है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। अभी मैंने विधायकों को की मीटिंग ली और मैंने उनको यही कहा है कि जेल भी जाना पड़े डरना मत, लेकिन आपको जनता के साथ खड़ा होना, इस तरह से बुलडोजर चलाना सही नहीं है, दादागिरी गुंडागर्दी करना सही नहीं है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना सही नहीं है।